तीर्थराज प्रयाग की नमो मंगल देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनो, मेरी 82 वर्ष की अवस्था है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मैं 80 वर्ष पहले जो है एक रूप देखा है। भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति के लिए केवल यही जीवन दान करने वाला प्रकाश एक हमारे सामने था। सन 64 में विश्व हिंदू परिषद का उदय हुआ और उस समय एक समस्या आई। आज भारतवर्ष में काम नहीं हो रहा, इसको हम बता रहे हैं 82 वर्ष की अवस्था के अनुभव में। जितने यहाँ कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, हमारे बहुत बाद के हैं। मेरा जो है अशोक सिंगल के घर में जाना हुआ और इसी रज्जू भैया वही के प्रयाग के थे, तो उनके जो है अध्यक्ष बनने पर हम उनको आशीर्वाद देने गए। देखिए गलती कहाँ है, हमारे संविधान को बनाने वाले में गलती है। और जब हम पानी सीधे बहा देते हैं तो बहुत दूर चला जाता है, और जब विपरीत दिशा में लाने लगते हैं तो कोई मशीन लगाना पड़ता है। हमारा यह राष्ट्रीय शासन भारत का जब धर्म निरपेक्ष बनाया गया, प्रभु ब्रह्मचारी पार्वती जी महाराज ने कहा इसका नाम बदल दो धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष निरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। हमें अधर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता नहीं। भारत की जो संस्कृति है धर्म, जिसमें गौ ब्राह्मण और जगत भीता है, सारे जगत का अगर हित चाहते हैं तो इन दोनों की रक्षा करनी ही पड़ेगा। और इनका हनन करना जैसा सरकार ने शुरू किया, उनका दुर्भिक्षम मरणम भयम। हम उपयोग नहीं कहते, बहुत संक्षिप्त में, जब गलत काम होगा तो दुर्भिक्ष होगा। भूत भव्यस्य मातरम्। लोकाभिरामम् रणरंग धीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्य रूपम् करुणाकरंतम् श्री रामचंद्रम् शरणम् प्रपद्ये। जो हमारे हृदय में विराजमान है, जो आप सबके हृदय में विराजमान है, भारत का जो प्राण है, विश्व ब्रह्मांड की जो आत्मा है, जिनको करोड़ों करोड़ भारतीय युग युगों से मां कहकर पुकारा है, ऐसी गोमाता के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम समर्पण करते हैं। जिन्होंने अपने चरण कमलों से इस धरती को पवित्रित किया, उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम। भगवती नर्मदा जो एकमात्र प्रदूषण मुक्त नदी रही है आज भी। हम कुछ समय पहले यहां जबलपुर आए थे, नर्मदा जी का दर्शन लिए थे, स्फटिक के जैसा शुद्ध जल आज भी उनका। नर्मदा को, भगवती नर्मदा को शत शत प्रणाम। भगवान विंध्याचल जो जबलपुर की गरिमा है, उनको प्रणाम। महर्षि जाबाली जी जिनकी तपोभूमि मानी जाती है ये, उन दिव्य पुरुष को प्रणाम।
और महारानी दुर्गावती का भी स्मरण करते हैं। अभी अभी संत श्यामदास जी से बात कर रहे थे उनके बारे में, जो शहीद हुई अकबर से लड़ते लड़ते, तो उनका भी स्मरण करते हैं। ये कोई नया बात नहीं है, हम जो बोल रहे हैं आप सबके हृदय में है। वो अभिव्यक्ति किसी एक के द्वारा होना चाहिए, हम कर रहे हैं। वो गौ माता और उनकी पीड़ा, उनकी हिंसा, उनका सर्वनाश, वही है आज का मुख्य विषय। भगवान ने भूमंडल में हमें ही ऐसे ऐसे चीज दिया भारतवासियों को जो अनमोल है। हमें 3 सागर दिए हैं भगवान ने, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जबलपुर की भी होगी। यही हमारी आशा, यही उपदेश, यही संदेश। हरे राम। Thank you.